नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हितिक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। चंद्रा केमिकल्स क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में एक टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम लेके आया हूं। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस वह रिएक्शंस होती हैं जिनके रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स की पावर का सम, ठीक है, 2 होता है, उन्हें हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स का सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इन द रेट एक्सप्रेशन या इक्वेशन इज 2, ठीक है। जो हमारी रेट इक्वेशन है उसमें कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर का सम 2 है, देन रिएक्शंस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। उन रिएक्शंस को हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। एग्जांपल, ठीक है, पहला एग्जांपल है हमारा CH3COCO2H5 एथिल एसीटेट प्लस NaOH गिव्स सोडियम एसीटेट एंड एथिल अल्कोहल। ये हमारा सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल है, ठीक है। नंबर 2, C2H4Br2 प्लस 3KI गिव्स C2H4 प्लस 2KBr प्लस Ki3, ठीक है। यह भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। अब इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालना है बाय इंटीग्रल मेथड, ठीक है। तो इसके 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट, ठीक है, जब रिएक्शन इस प्रकार की हो, 2A गिव्स मतलब एक ही रिएक्टेंट हो, ठीक है, तो और उससे प्रोडक्ट R बनना हो, तो 2R gives R, the rate expression is given as minus RA equal to minus DCA upon DT equal to KCA की पावर 2, CA की पावर 2, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 दे दिया। अब मैं जानता हूँ बी नो डेट CA बराबर CA नॉट 1 माइनस XA होता है, CA नॉट 1 माइनस XA होता है, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में माइनस डी सी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के सी ए स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर सी ए की वैल्यू सी ए नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ए रख दी, तो हमारी जो टर्म्स आएगी माइनस डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में सी ए नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ए और छोटी ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट भी बंद, ठीक है, इक्वल टू के सी ए नॉट का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम क्या कहते हैं इसका सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए का डिफरेंशियल करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सी ए नॉट डी एक्स ए अपॉन डी टी हो जाएगा इक्वल टू के सी ए नॉट का स्क्वायर 1 माइनस एक्स ए का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किया मैंने, डी एक्स ए के अपॉन में माइनस 1 माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर ले गया, ठीक है, और के सी ए नॉट डी टी, ठीक है, इसको दोनों तरफ इंटीग्रल कर दिया, तो जो मेरी टर्म्स आई, ठीक है, इंटीग्रल 0 टू एक्स ए डी एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर इक्वल टू के सी ए नॉट इंटीग्रल 0 टू टी और डी टी, ठीक है। अगर मैंने एलचेस साइड की टर्म्स को सॉल्व किया तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स ए की पावर 2, इसमें एक जोड़ दिया, ठीक है, और अपॉन 1 माइनस 1, ठीक है, अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, जो पावर में है वही चीज़ नीचे आ जाएगी और माइनस एक्स ए का माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इसकी लिमिट 0 टू एक्स ए हो जाएगी इक्वल टू के सी ए नॉट टी, सी ए नॉट टी, ठीक है। अब इसमें लिमिट रखेंगे
तो हमारा जो टर्म्स, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे जो टर्म्स प्राप्त होगी ब्रैकेट में, वन अपॉन वन माइनस एक्स से, ठीक है, लिमिट जीरो टू एक्स से, और ठीक है हमारा इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड में के सी ए नॉट टी। इसमें लिमिट रखने पर एल एस साइड में लिमिट रखने पर जो टर्म प्राप्त होगी ब्रैकेट में वन अपॉन वन माइनस एक्स से माइनस वन ब्रैकेट वन इक्वल टू के सी ए नॉट टी, ठीक है, के सी ए नॉट टी। ये टर्म भी हमारी क्या कर रही है, एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन को टर्म रिप्रेजेंट कर रही है इन टर्म ऑफ कन्वर्जन, इन टर्म ऑफ कन्वर्जन, इन टर्म ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर माइनस वन प्लस वन माइनस प्लस एक्स से अपॉन वन माइनस एक्स से इक्वल टू के सी ए नॉट टी, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो एक्स से अपॉन वन माइनस एक्स से इक्वल टू, ठीक है, सी के सी ए नॉट टी। इक्वेशन इसे दो दे दिया, इक्वेशन टू रिप्रेजेंट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ कन्वर्जन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जो इक्वेशन, ठीक है, टू है वो क्या कर रही है, हमारी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कन्वर्जन की टर्म्स में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, ठीक है। इसका ग्राफ जो जाएगा, ठीक है, बाई एक्सिस पे एक्स अपॉन वन माइनस एक्स से और एक्स एक्सिस पे टी, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी जो ओरिजिन से पास होगी और उसका स्लोप के सी ए नॉट होगा, के सी ए नॉट होगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से हमने ले लिया, ठीक है, तो इक्वेशन टू से, ठीक है, इससे दो स्टेप पहले की इक्वेशन उठाई जो सबसे टॉप पे लिखी हुई है, ठीक है, ब्रैकेट वन माइनस ब्रैकेट वन अपॉन वन माइनस एक्स से माइनस वन इक्वल टू के सी ए नॉट टी, ठीक है। अब इसमें मैंने पुट सी ए बराबर सी ए नॉट वन माइनस एक्स से रखा है, यहाँ से वन माइनस एक्स ए की वैल्यू, ठीक है, सी ए अपॉन सी ए नॉट हो गई, सी ए अपॉन सी ए नॉट हो गई, ये पूरी वैल्यू उठा के रखी, ठीक है, तो जो वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट में वन अपॉन वन माइनस एक्स ए की जगह पे क्या रखना है, सी ए अपॉन सी ए नॉट, ठीक है, रखा तो ब्रैकेट में हो जाएगा वन अपॉन सी ए अपॉन सी ए नॉट माइनस वन ब्रैकेट वन इक्वल टू के सी ए नॉट टी, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये टर्म्स हो गए सी ए नॉट अपॉन सी ए माइनस वन, ठीक है, माइनस वन, और जो आर एच एस साइड में सी ए नॉट है इसको एल एच एस साइड में ले आया तो वन अपॉन सी ए नॉट कर दिया के टी, ठीक है। तो जो हमारी टर्म्स आ गए वन अपॉन सी ए माइनस वन अपॉन सी ए नॉट इक्वल टू के टी, ठीक है। जो इक्वेशन थ्री है, इक्वेशन थ्री रिप्रेजेंट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और इसका जो ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, बाई एक्सिस पर हमारे वन अपॉन सी ए माइनस वन अपॉन सी ए नॉट और एक्सिस पे टी, ठीक है, और इससे जो, ठीक है, रिजल्टेंट ग्राफ प्राप्त होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी, इसका स्लोप के होगा, इसका स्लोप के होगा। इसमें एक ही रिएक्टेंट है तो इसमें हाफ लाइफ मेथड लगा सकते हैं। हाफ लाइफ मेथड क्या होता है, ठीक है, हाफ लाइफ मेथड टाइम होता है जिसमें, ठीक है, रिएक्टेंट अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है। तो व्हेन सी ए बराबर सी ए नॉट बाई टू, मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी है, तब, ठीक है, उस टाइम को क्या कहेंगे, अर्ध आयो टी बराबर टी हाफ हो जाएगा। इसको इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे तो वन अपॉन जहाँ सी ए होगा वहाँ पर हम सी ए नॉट बाई टू कर देंगे, तो हमारी जो इक्वेशन थ्री थी वन अपॉन सी ए माइनस वन अपॉन सी ए नॉट इक्वल टू के टी, यहाँ पर सी ए की जगह पे सी ए नॉट बाई टू लिखा, ठीक है, तो इक्वेशन जो हमारी हो जाएगी वन अपॉन सी ए नॉट बाई टू माइनस वन अपॉन सी ए नॉट इक्वल टू के टी की पावर हाफ, ठीक है। अब इसकी पहली स्टेप में दो जो नीचे था ऊपर आ गया, ठीक है, टू अपॉन सी ए नॉट माइनस वन अपॉन सी ए नॉट इक्वल टू के टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ, ये हो गया।
ठीक है, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो वन अपॉन सी ए नॉट इक्वल टू के टी की पावर हाफ, इसे इक्वेशन फोर दे दिया, इक्वेशन फोर रिप्रेजेंट, ठीक है, इक्वेशन फोर रिप्रेजेंट इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, ठीक है, हाफ लैब और रेट कांस्टेंट में रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। केस सेकंड, ठीक है, यदि रिएक्शन इस प्रकार की है उसमें, ठीक है, सेम रिएक्टेंट नहीं प्रेजेंट है, अनलाइक कंपोनेंट्स हैं ए प्लस बी गिव्स आर, ठीक है, तो इसमें ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, द रेट एक्सप्रेशन इज गिवन ब्लो, ठीक है, माइनस आर ए इक्वल टू माइनस डी सी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के सी ए इंटू सी बी, बी नो डैट सी ए की वैल्यू सी ए नॉट वन माइनस एक्स ए, सी बी की वैल्यू सी बी नॉट माइनस बी अपॉन ए सी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है, स्केचियोमेट्रिक कोफिशियंट रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी के हैं, तो दोनों की वैल्यू वन है इस रिएक्शन के लिए, तो जो सी बी बराबर हो जाएगा सी बी बराबर सी ए नॉट एम माइनस एक्स ए, एम की वैल्यू सी बी नॉट अपॉन सी ए नॉट है, ठीक है, इन सी ए और सी बी की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस डी सी ए अपॉन डी टी ब्रैकेट में सी ए नॉट वन माइनस एक्स ए इक्वल टू के सी ए नॉट वन माइनस एक्स ए इंटू सी ए नॉट ब्रैकेट में एम माइनस एक्स ए, ठीक है, इसका एलएचएस आइटम्स का डिफरेंशियल किया तो डिफरेंशियल करने पर वन का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, जो टर्म्स बचेगी सी ए नॉट प्लस का सी ए नॉट डी एक्स ए अपॉन डी टी इक्वल टू के सी ए नॉट का स्क्वायर वन माइनस एक्स ए इंटू एम माइनस एक्स ए, ठीक है, जो कन्वर्जन वाली टर्म्स है वो डी एक्स ए के नीचे ले लेंगे, ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी, ठीक है, वो ये आ जाएगी डी एक्स ए अपॉन वन माइनस एक्स ए ब्रैकेट में, ठीक है, एक ब्रैकेट में वन माइनस एक्स ए और दूसरी ब्रैकेट में एम माइनस एक्स ए इक्वल टू के सी ए नॉट डी टी, ठीक है, अब इसे इक्वेशन टू दे दी, इस एल एच एस वाली टर्म्स का हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, पार्शियल फ्रैक्शन करने पर, ठीक है, क्या किया वन अपॉन एक ब्रैकेट में वन माइनस एक्स ए दूसरी ब्रैकेट में वन माइनस एक्स ए को ए अपॉन वन माइनस एक्स ए लिखा और दूसरे टर्म्स में प्लस बी अपॉन एम माइनस एक्स ए लिखा, ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो वन बराबर ए एम माइनस एक्स ए प्लस बी वन माइनस एक्स ए, ठीक है, पहले ए की वैल्यू निकालने के लिए मैंने वन माइनस एक्स ए को जीरो के बराबर रखा, यहाँ से एक्स ए की वैल्यू वन आ गई तो यहाँ से ए की वैल्यू वन अपॉन एम माइनस वन आ जाएगी, ठीक है, इसी प्रकार बी की वैल्यू निकालने के लिए एम माइनस एक्स ए को जीरो के बराबर रखा, यहाँ से एक्स ए की वैल्यू एम आ गई और यहाँ से बी की वैल्यू, ठीक है, माइनस वन अपॉन एम माइनस वन आ जाएगी, ठीक है, ये दोनों वैल्यू ए और बी की इक्वेशन टू में रखने पर हमारी जो, ठीक है, टर्म्स आ जाएगी वन अपॉन एक ब्रैकेट में वन माइनस एक्स ए दूसरी ब्रैकेट में एम माइनस एक्स ए इक्वल टू वन अपॉन एम माइनस वन एक ब्रैकेट में वन माइनस एक्स ए माइनस वन अपॉन एम माइनस वन और दूसरी ब्रैकेट में एम माइनस एक्स ए। अब इस टर्म्स का मुझे क्या करना है, ठीक है, इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से एम वन अपॉन एम माइनस वन कॉम बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में बचा वन अपॉन वन माइनस एक्स ए माइनस वन अपॉन एम माइनस एक्स ए, ठीक है, इंटू डी एक्स ए बराबर के सी ए नॉट डी टी, ठीक है, इंटीग्रल किया जीरो टू एक्स ए वन अपॉन वन माइनस एक्स ए माइनस वन अपॉन एम माइनस एक्स ए और, ठीक है, डी एक्स ए के सापेक्ष इसका इंटीग्रल किया लिमिट जीरो टू एक्स ए, ठीक है, और m माइनस वन की राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दी m माइनस वन इंटू के सी ए नॉट और, ठीक है, dt का इंटीग्रल किया जीरो से t लिमिट के साथ में, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थ्री इसका जब हम लिमिट लगाएंगे तब हमारा जो आएगा ln m माइनस एक्स ए अपॉन एम वन माइनस एक्स ए बराबर के सी ए नॉट टी एम माइनस वन, ठीक
ठीक है, बी नो डैट अगर इसमें हमने ए बराबर सी ए नॉट वन माइनस एक्स ए रखा और यहाँ से वन माइनस एक्स ए की वैल्यू सी ए नॉट अपॉन सी ए अपॉन सी ए नॉट रखी, ठीक है, और सी बी बराबर जो हमने हमें पता है सी ए नॉट एम माइनस एक्स ए, यहाँ से एम माइनस एक्स ए की वैल्यू सी बी अपॉन सी ए नॉट रखी और एम की वैल्यू सी बी नॉट अपॉन सी ए नॉट रखी, ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन है एल एन एम माइनस एक्स ए अपॉन एम ब्रैकेट में वन माइनस एक्स ए इक्वल टू के सी ए नॉट टी इंटू एम माइनस वन, ये इक्वेशन कंसंट्रेशन की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो टर्म्स जो बनेगी एल एन सी बी अपॉन सी ए नॉट अपॉन सी बी नॉट अपॉन सी ए नॉट इंटू सी ए अपॉन सी ए नॉट इक्वल टू के सी ए नॉट टी और सी बी नॉट अपॉन सी ए नॉट माइनस वन, ठीक है, सॉल्व करने पर टर्म्स आ जाएगी एल एन सी बी इंटू सी ए नॉट अपॉन सी बी नॉट इंटू सी ए बराबर के सी ए के, ठीक है, टी सी बी नॉट माइनस सी ए नॉट, सी ए नॉट से सी ए नॉट से सी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन फोर में ग्राफ खींचने पर, ठीक है, कन्वर्जन और कंसंट्रेशन की टर्म्स में ग्राफ खींचेंगे, तो पहले कन्वर्जन की टर्म्स में ग्राफ खींचेंगे तो जो हमारा बाई एक्सेस पे आएगा एल एन एम माइनस एक्स ए अपॉन एम इंटू वन माइनस एक्स ए और एक्स एक्स पे टी आएगा, ठीक है, इससे जो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी वो ओरिजिन से पास होगी और इसका स्लोप के ब्रैकेट में एम माइनस वन सी ए नॉट होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन की टर्म्स में ग्राफ खींचने पर, ठीक है, बाई एक्सेस पे एल एन सी बी इंटू सी ए नॉट अपॉन सी बी नॉट इंटू सी ए होगा, एक्स एक्सिस पे टी होगा और इसकी, ठीक है, जो इससे जो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी उसका स्लोप एम बराबर के ब्रैकेट में सी बी नॉट माइनस सी ए नॉट होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।